महंगाई ने सफेद पोशी का भरम भी तोड़ दिया। सिर्फ गोश्त फल महंगे ही नहीं, गरीब के खाने की हर चीज महंगी हो गई। 100 रुपए फी किलो से सस्ती सब्जी कोई ढूंढ कर तो दिखाए। चिकन का रेट भी आसमान से बातें करने लगा। हैदराबाद में 420 रुपए फी किलो पर फरोख्त। पिंडी, लाहौर, कराची, पिशावर, कोयटा समेत मुल्क के हर इलाके से दुहाइयां। आजाद कश्मीर हुकूमत ने जलजले से नुकसान का जायजा लेना शुरू कर दिया। तामीर नौ की सिफारिशात की भी तैयारी। कमिश्नर मीरपुर फोकल पर्सन मुकर्रर। इस्लामाबाद लॉकडाउन के मामले पर JUIFA और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात। रेबर कमेटी का इजलास और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने से मुतालिक भी मुशावरत। हतमी फैसला मरकजी कायदीन करेंगे। वज़ीर आज़म आज न्यूयॉर्क में पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मलेशिया और नॉर्वे के वज़ीर आज़म बिल गेट्स न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड से भी मुलाकातें करेंगे। लाड़काना की नम्रता कुमारी कैसे मरी? सिंध हाईकोर्ट ने जुडिशियल इंक्वायरी की इजाजत दे दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुम्मे से तहकीकात शुरू करेंगे। रावलपिंडी के नौरानी मोहल्ला में डेंगी टीम पर हमला, एक अहलकार जख्मी, हमलावर तीनों मुलजिम गिरफ्तार। सर्वेलेंस टीम को मुअत्तल कर दिया गया। कराची, गुजरावाला, सियालकोट, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क भर में बादल अगले 10 दिन बरसेंगे। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग, नालों में तूफानी का खदशा। बारह इलाकों में साल की पहली बर्फबारी भी होगी।